हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. और मैं हूँ ज्योति. सो आज मैं इंदुलेखा का एक डिटेल रिव्यू करने जा रही हूँ. सो तीन चीज़ें मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले. पहला, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है. दूसरा, जो लोगों के बाल बहुत झड़ रहे हैं और जिन्होंने सोच रखा है कि इंदुलेखा को मैं फ्यूचर में यूज़ करने वाला हूँ, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसको यूज़ करना है या नहीं करना, क्या है इसका लाइक है, क्या है इसका डिसलाइक पार्ट है. तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा. तीसरा, प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें. ये एक डिटेल्ड वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. सो ये जो ऑयल है, ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं है. ये क्लेम करते हैं दिस इज़ एन आयुर्वेदिक ऑयल. साथ में ये भी ये लोग क्लेम करते हैं ये बालों के झड़ने गिरने से बचाएगा. बस ये सब देख के मैंने भी इस ऑयल को मंगा लिया और इस ऑयल को मैं पिछले 2 से 3 महीने से यूज़ कर रही हूँ. सो लेट मी टेल यू, मुझे जो हेयर फॉल था ये कोई माइल्ड हेयर फॉल नहीं था. 3-4 बाल नहीं मेरे गिरते थे, मुझे अच्छा खासा बंच ऑफ हेयर्स आप कह सकते हो, कम से कम नहीं तो 20 से 30 मेरे बाल गिरते ही थे हर कोम करने पे. चाहे मैं बालों को कोम कर रही हूँ या हेयर वॉश कर रही हूँ, अगर मेरे पिलो पे भी, मेरे कपड़ों पे, हर जगह बाल गिरते रहते थे. तो बस ये सब देख के मैंने ऑयल को मैंने परचेज कर लिया. अब ये ऑयल मिलता कहाँ है? इस ऑयल को आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, मेडिकल शॉप पे इजिली अवेलेबल है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इसको परचेज कर सकते हैं. वेल, मैंने इसको तो ऑनलाइन ही परचेज की है, ये सोचते हैं कि मुझे क्यों डिस्काउंट मिलेगा. अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला. सो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जो भी ये क्लेम करता है वो पूरा होता भी है या नहीं. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा. वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ को लाइक ज़रूर करें. अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें. सो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो ये है इसका आउटर पैकेजिंग. सो ये वाली जो बॉटल है ये 50 ml की है और उसका प्राइस है 234 rupees. इसका एक 100 ml का बॉटल भी आता है जिसका प्राइस है 432 rupees. तो मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है. सो ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और इस पे इन्होंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. और इनका उसका ऑफिशियल नेम इन्होंने मेंशन किया है, बोटैनिकल नेम यूज़ किया है, उस प्लांट का उन्होंने क्या क्या पार्ट यूज़ किया वो मेंशन है, और इन्होंने कितना कितना ग्राम है, कितने कितने किलो में वो प्रोडक्ट का यूज़ किया इन्होंने वो चीज़ मेंशन किया है. तो लेने से पहले आप चेक कर सकते हो इसके इंग्रेडिएंट के बारे में कि कैसे क्या है. तो ये तो था इनका आउटर पैकेजिंग. साथ में उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है. सो बॉक्स के अंदर हमें मिलती है एक प्लास्टिक की बॉटल और मिलती है हमें ये बुकलेट. सबसे पहले हम बुकलेट की बात कर लेते हैं क्योंकि बुकलेट ने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आई एम श्योर दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू. सो बुकलेट के अंदर जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो ये है कि इन्होंने बहुत एक्सप्लेन और डिटेल तरीके में इन्होंने हेयर लॉस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, क्या क्या रीजन्स हैं. यहाँ पर इन्होंने 12 रीजन्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस होता है. और जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे वो लगी है इनके प्रोडक्ट के बारे में वो ये है, इन्होंने इंदुलेखा को बहुत डिटेल तरीके एक्सप्लेन किया है कि भाई इंदुलेखा है क्या. दूसरा, ये इंदुलेखा मैन्युफैक्चर कैसे हुआ. इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि वर्जिन ऑयल में इनके जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनको सोक करके रखा, फिर 7 दिन के लिए इन्होंने सनलाइट में रखा, और ये जो प्रोसेस है इन्होंने उसके बारे में एक्सप्लेन किया है. सो ये वो इन 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट हैं जिसकी वजह से ये इंदुलेखा बहुत इफेक्टिव है. ये है भृंगराज है, ये है श्वेत कुलजा, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, आंवला और वर्जिन कोकोनट ऑयल. क्या क्या इनके यूज़ हैं, किस तरीके से हमारे बालों में ये काम करते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है. इन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर ऑयल है, मैसिव है या माइल्ड है, तो किस तरीके से आपको वीक में यूज़ करना है. दूसरा, इन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि इंदुलेखा क्यों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको रेगुलर ऑयल क्यों नहीं इफेक्टिव है. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है. तो ये यूज़ करने से पहले आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस ऑयल के बारे में. तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है. तो पैकेज के अंदर हमें मिलती है प्लास्टिक की बॉटल जिसपे मेंशन है इंदुलेखा भृंगराज ऑयल. इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स इन्होंने यूज़ किए हैं उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया हुआ है. अगर इसकी बॉटल की हम बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग बॉटल है, ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि लो क्लास बॉटल है या फिर थोड़ा सा यूज़ के बाद ही क्रैक हो जाएगी, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है. जो सबसे ज़्यादा इस बॉटल ने मुझे इम्प्रेस किया है वो है ये कोम. मेरे जैसे बंदे के लिए ऑयल लगाना हमेशा से बहुत बड़ी जंग रही है क्योंकि ढंग से वो ऑयल लगता नहीं है, स्कल्प तक पहुंचता नहीं है एंड सो ऑन. तो इस बॉटल ने मेरे लिए ऑयल लगाना बहुत आसान कर दिया है क्योंकि इसमें अगर आप देखो तो ये कोम नुमा ये ऑयल है जो डिटैच हो जाता है इस तरीके से. ये है, यहाँ इसके अंदर ऑयल है और इसको जब आप प्रेस करो इसको आप अटैच करना है, इसको प्रेस करना है, और जो ऑयल है वो डायरेक्टली आपके स्कैल्प के अंदर रूट तक पहुँचता है. तो ये बहुत आसान है. मेरे से बंदे के लिए तो ये बॉटल बहुत अच्छी है. इसने मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है कि भाई कोई आके मेरा ऑयल लगाए, बस इसको अपने
स्कैल्प पे रखना है और प्रेस करना है, और जो ऑयल है बहुत आसानी से कम टाइम में आसानी से लग जाता है। तो ये तो था ऑयल के बारे में। अब बात करते हैं कि ऑयल दिखता कैसा है, उसकी फ्रेग्रेंस कैसी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इफेक्टिव है या नहीं। ये ऑयल डार्क ब्राउन कलर का दिखता है, काफ़ी थिक है, काफ़ी स्टिकी है, प्लस की फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस बिल्कुल पसंद नहीं आती है, जिनको माइग्रेन है, तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। जैसे मुझे माइग्रेन है, तो मैं जब कभी इसको लगाती हूँ मैक्सिमम टाइम मुझे हेडेक होता ही है, तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। अगली चीज़ ये है कि जैसे मैंने बोला ये स्टिकी है, तो कम से कम 2-3 बार हेयर वॉश करने के बाद ये ऑयल निकलता है, प्लस की स्मेल फिर भी रह जाती है, तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। अगर आपके बाल है जो है वो ऑयली हैं, आपकी स्किन ऑयली है, तो इसको और ज़्यादा ऑयली कर सकता है, तो एक ये भी एक ड्रॉबैक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन मेकिंग इंदुलेखा भृंगा ऑयल। सो पहला है भृंगराज। सो भृंगराज इज नोन फॉर हेयर ग्रोथ एंड प्रिवेंट्स हेयर फॉल। नंबर दो, ये बालों को रूट से मजबूत करता है एंड ऑल्सो स्टॉप्स प्री मेच्योर ग्रेइंग। दूसरा इंग्रेडिएंट है श्वेत कुज्जा, जो डेंड्रफ को रोकता है, प्रिवेंट स्कैल्प स्किन डिसीजेस। नंबर थ्री इज आंवला। नाउ आंवला इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, हैज एंटी ऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज, जो बालों को टूटने से रोकता है। सो नंबर फोर है वर्जिन कोकोनट ऑयल। नाउ दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोकोनट ऑयल, रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट मिनरल। इसमें कुमारी है, द्राक्षा है, अमृता है, यशी है, ब्रह्मी और नीम, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स। अब देखते हैं इसको यूज़ कैसे करना है, कितनी बार इसको वीक में यूज़ करना है, और उसके क्लेम के बारे में। तो भाई इसको वीक में कम से कम 3 बार, 2 से 3 बार इसको यूज़ करना होता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप इसकी फ्रेगनेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो आप इसको रात भर भी लगा सकते हैं, बट मैं इसको रात भर नहीं लगाती हूँ। मैं मैक्सिमम इसको 3 से 5 घंटे के लिए दिन में हेयर वॉश करने से पहले यूज़ करती हूँ। तो ये तो था इसका एप्लीकेशन का। और वीक में इसको, अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है, तो इसमें भी ये है कि हेयर फॉल के हिसाब से है कि आपको माइल्ड हेयर फॉल है या सिवियर हेयर फॉल है। तो मेरा तो सिवियर हेयर फॉल था, तो वीक में मैं 2 से 3 बार लगाती थी हर अल्टरनेट डे के बाद। तो इस तरीके से काम करते हैं। अब इसके क्लेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब मैंने इसको 1 मंथ तक यूज़ किया, तो मुझे पहले 1 महीने में कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, बट ये था मेरे बालों में काफ़ी हद तक सॉफ्टनेस थी, प्लस बाल मेरे काफ़ी बाउंसी होने लगे थे। फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया, जब 2 से 2.5 महीने हो गया, देन आई रियलाइज कि मेरे बालों में जो हर बार कंघी करने पे जो बाल गिरते थे, जो बंच ऑफ बाल गिरते थे, वो गिरना बंद हो गए। प्लस जब भी हेयर वॉश करती थी, तो जो उसमें हेयर फॉल होता था वो मेरा रुक गया। प्लस जब भी मैं कपड़े पहन, जो भी कपड़े, टी शर्ट पे या सोफे पे या पिलो पे जो बाल गिरते थे, वो चीज़ गिरना 100% बंद हो गई है। तो अभी क्या है, जब भी मैं बाल कॉम करती हूँ दिन में 2 या 3 बार, तो उसमें से 1 बार ऐसा होता है कि 0% हेयर फॉल। अर्लियर क्या था, जितनी बार भी हेयर कॉम करती थी उतनी बार मेरे बाल गिरते थे। तो यस, ये है। तो अगर मैं अभी बोलूँगी कि 100% हेयर फॉल तो ऑफकोर्स नहीं रुका है, बट यस 60 to 70% तक मेरे बालों में काफ़ी इंप्रूवमेंट है हेयर फॉल के लिए। तो इफ़ आई लाइक टू गिव रेटिंग आउट ऑफ 5, आई वुड से 3 to 3.5 रेटिंग इज़ परफेक्ट फॉर दिस ऑयल। अब इसकी लाइक और डिसलाइक के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइक की बात करते हैं। तो भाई लाइक के बारे में तो ये बोलूँगी कि ये ऑयल जो है 100% हर्बल है, आयुर्वेदिक है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है। दूसरा, इसकी जो पैकेजिंग है इस बॉटल की, काफ़ी यूनिक सी है। इसमें कोम लगा हुआ है, जिसकी हेल्प से जो ऑयल है वो डायरेक्टली रूट तक पहुँचता है, इसमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और प्लस इसका, अगर आप डेली, मतलब आप इसको यूज़ करना शुरू करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो आपके बालों में काइंड ऑफ वॉल्यूम और प्लस इसकी जो सॉफ्टनेस है बालों की, काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो ये तो था भाई इसका लाइटनेस। डिसलाइक जो मुझे लगा है, जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है इस ऑयल के बारे में, वो ये, सबसे पहले तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। 100 ml की बॉटल जो है वो नियरली 434 रुपीज़ की है, जो काफ़ी एक्सपेंसिव है। प्लस दूसरा, इसकी जो ऑयल की जो थिकनेस है, ये तो एक तो काफ़ी थिक है, प्लस बहुत ज़्यादा स्टिकी है। और ये शैम्पू कम से कम 2 से 3 बार करोगे, तब कहीं जाके ये जो शैम्पू है वो आपके स्कैल्प से निकलेगा। दूसरा, इसकी इसकी जो फ्रेगनेंस है भाई, वो वही डेडली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इट्स नॉट ईजी टू टॉलरेट एट ऑल। तो थोड़ा सा ये एक प्रॉब्लम है। और इसकी बॉटल देखने में यूनिक है, नो डाउट, काम काफ़ी इजी कर देती है ऑयल लगाने के लिए, बट ये थोड़ा सा, ये ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है। मैनी टाइम्स मैंने ऑब्जर्व किया है, ऑयल यूज़ करने के बाद यहाँ यहाँ पे ऑयल आ जाता है, जो एक तो ऑयल की बर्बादी है, दूसरा ये ट्रैवल में ले जाने के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी ये इस तरह से हुआ, प्रेस हुआ, फोर्स लगा, तो जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो जाएगा, तो वो थोड़ा सा रिस्की है।
तो यस, ये था मेरा इंदुलेखा भृंगराजौल का ऑनेस्ट रिव्यू। और अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करके किसी और की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ शेयर करने में कोई भी कंजूसी ना करें, ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर और बहुत सारी अच्छी वीडियोज़ पाइपलाइन में हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे गाइस, बाय।